सो सवाल आएंगे आपके दो, अराउंड टू टू क्वेश्चंस यहाँ, 8 मार्क्स। सो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले हम ये कवर करेंगे, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, हुक्स लॉ है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग करेंगे मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें 3 मॉडुलाई होते हैं आपके पास, यंग्स मॉडुलस और बाकी दोनों। और लास्ट हमारा होगा एक टॉपिक सेकेंड पार्ट में ही, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग या स्प्रिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज आज हमको कवर करनी है। तो हमारा पार्ट वन शुरू होता है अभी। दिस इज योर पार्ट वन। चलिए, सो सबसे पहले रिजिड बॉडी आती है। रिजिड बॉडी के बारे में पता है सबको क्या यस मैम, होती यस है? मैम। मैम जिस पे मॉलिकुलर लेवल पे डिफॉर्मेशन होती है, वैसे हमें सरफेस पे विजिबल नहीं होती। नहीं, आप ऐसे देखिए, हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स डेफिनेट शेप एंड साइज एंड डिफॉर्मेशन आप अगर देख रहे हैं तो दिखती नहीं है हमको। ठीक है, और मान लेते कि डिफॉर्मेशन होती नहीं है, परफेक्ट रिजिड बॉडी है। दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई डिस्टेंस आपने ले लिया और आप उसको 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद देखते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा विद टाइम। सो एक रिजिड बॉडी है, बट इन रियलिटी कोई परफेक्ट रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं 3 टाइप्स, इलास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक बॉडी, पार्शियल इलास्टिक एंड पार्शियल प्लास्टिक बॉडी। सो अगर मैं फोकस करूं यहाँ पर सबसे पहले इलास्टिक बॉडीज पे, सो इलास्टिक बॉडी क्या है? इफ बॉडी रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, इट इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी, एंड इस प्रॉपर्टी को आप इलास्टिसिटी बोलते हैं। विजिबल है सबको स्क्रीन, आपके फोन में क्लियरली दिख रहा है? यस मैम, ओके, अगर बॉडी वापस से ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर ले जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, फॉस्फर ब्रॉन्ज हो गया। प्लास्टिक बॉडीज में क्या आता है? इफ बॉडी रिमेन्स इन डिफॉर्म स्टेट एंड डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज। मतलब अगर आपने बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, अगर आप वो रिमूव कर देते हैं तो ओरिजिनल शेप पे नहीं जाता, तो वो बॉडीज कौन सी होती है? प्लास्टिक बॉडी, जैसे कि वेट क्ले, पुटी एंड सैंड एक्सेट्रा। अब थर्ड कैटेगरी इनके बीच में कहीं लाई करती है, पार्शियल इलास्टिक, पार्शियल प्लास्टिक, जिसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली शेप एंड साइज रीगेन नहीं करता, बट डिफॉर्म भी एग्जैक्टली नहीं रहता, कहीं बीच में थोड़ा बहुत रीगेन कर लेता है, थोड़ा बहुत परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाती है। सो उसमें आपके पास क्या आता है? पार्शियल इलास्टिक एंड पार्शियल प्लास्टिक। नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक एंड नो बॉडी इज परफेक्टली प्लास्टिक। क्लियर है ये बात सबको? ये यस मैम, स्टेटमेंट यस पे आ मैम। जाएगा असर्शन रीजन में। सिंपल सी बात होती है, कोई बॉडी ना तो परफेक्ट इलास्टिक होती है ना परफेक्टली प्लास्टिक होती है। फिर आपके पास दो टर्म्स आती हैं, एक आता है इलास्टिक लिमिट और एक आता है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? इलास्टिक लिमिट, मान लीजिए मैंने कोई भी चीज लिया, उस पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। मान लो मैंने एक वायर लिया, ये यहाँ पर अटैच था और इस पर मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, मैं धीरे 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 फोर्स बढ़ाती जा रही हूँ, क्या होगा बताओ? मैम वो मैक्सिमम टाइम के लिमिट बाद जहाँ टूट पे जाएगा। वो अपनी जो इलास्टिक मतलब बॉडी की शेप है रीगेन कर ले, वो मैक्सिमम लिमिट इलास्टिक लिमिट होगी। यस, आप फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स हटा दो, वापस से शेप में चला गया। आपने फोर्स ज्यादा लगाया, हटाया, फिर से शेप में चला गया। एक फोर्स आपने ऐसा लगाया कि इससे ज्यादा अगर आपने फोर्स लगा के रिमूव करा तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रहा, तो वो मैक्सिमम फोर्स क्या होता है? इलास्टिक लिमिट। इट इज द अपर लिमिट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप टू विच, इफ दिस फोर्स इज रिमूव्ड, द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म कंप्लीटली, एंड बियॉन्ड विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड, द बॉडी लूजेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म। क्लियर है बात सबको? यस मैम, फटीग क्या होता है यस कि मैम। रिपीटेडली अगर आप उसको यूज करते रहते हैं, मान लो मैंने कोई भी लकड़ी ले ली जो थोड़ी मॉइस्ट है, मतलब वो गीली लकड़ी है, अगर मैं उसको ऐसे 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 करती रहूंगी तो धीरे धीरे टूटेगी ना, एकदम से तो नहीं टूटेगी। तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यू टू रिपीटेड एक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस, इसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग। थक थक के वो टूटेगी। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए, हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है? चल नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, वो तो था हमारे पास एक, वो बोलते हैं ना वार्म अप, ये दो स्लाइड्स हमने वार्म अप स्लाइड्स ली हैं, जिसमें आप थोड़ा सा रेडी हो जाओ इस चैप्टर के लिए। अब आपके पास आता है स्ट्रेस, मेन फॉर्मूला, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बट आपका सवाल हो सकता है, मैम हम रिस्टोरिंग फोर्स तो नहीं रखते, हम तो सिंपली जो फोर्स अप्लाई किया होता है वो रख देते हैं। स्टेटमेंट असर्शन, जो स्टेटमेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये आ सकता है कि
कि जो फोर्स होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है या एक्सटर्नल फोर्स होता है। सो हमेशा याद रखें, आपने लगाया तो फोर्स एक्सटर्नली है, लेकिन बॉडी अपनी पोजीशन को दोबारा रीगेन किसकी वजह से करती है, जो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। सो वो रिस्टोरिंग फोर्स, अभी हमारे जितने भी सवाल हैं मोस्टली 100% लाइक यू कैन से 99.99% जो सवाल है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होते हैं। आपने फोर्स लगाया, अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है, फोर्स लगाया अंदर रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है। इसलिए हम लोग सवालों में रिस्टोरिंग फोर्स की जगह जो एक्सटर्नली फोर्स लगा रखा होता है वही पुट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? यस मैम, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, और हम रख देते हैं इक्विलिब्रियम पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वही रिस्टोरिंग फोर्स है। यूनिट आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन आप लिख सकते हैं फोर्स बाय में एरिया। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सवाल कीजिए सर, बताइए मुझे इसका आंसर कितना आएगा। ए एंड बी आर टू वायर्स, द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम लोड, देन द स्ट्रेस ऑन बी इज, 10 सेकेंड में हो जाना चाहिए आपका सवाल। बी क्या ऑप्शन है? Four times. तो पहले बताओ स्ट्रेस का फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया होता है। बाय एरिया तो लेते हैं, मैं ले लेती हूँ फर्स्ट वायर, ठीक है, फर्स्ट वायर का फोर्स और ये एरिया, और सेकंड वायर पे भी इन्होंने बोला कि लोड सेम है, फोर्स सेम हो गया, और एरिया ऑफ बी, तो एरिया ऑफ ए क्या हो जाएगा, पाई आर ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं ना वायर का एरिया, ये जो भी वायर जिसके क्रॉस आपने लगाया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना होता है, तो पाई आर बी स्क्वायर। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें इनको कंपेयर करना है, तो आप कैसे करेंगे, यहां से आप रख दीजिए आर ए की वैल्यू टू आर बी, तो एफ बाय टू आर बी पुट करेंगे, फोर पाई आर बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या है, एफ बाय पाई आर बी स्क्वायर, जस्ट डिवाइड सिग्मा ए बाय सिग्मा बी, That is equal to 1/4, यानी आपके पास सिग्मा बी क्या हो रहा है, 4 times of sigma a, तो सही निकाला आप लोगों ने, 4 times that of a. Next पे चलते हैं। अब आता है हमारे पास types of stress, बहुत सारे stresses हैं जिंदगी में, अभी पेपर का स्ट्रेस है, अभी सात्विक जेई दे के आया, फिर वो नीट देगा, तो स्ट्रेस जिंदगी में चलते रहेंगे, ठीक है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। नाउ फोकस, आपके पास दो मेजर कैटेगरीज होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस स्लैश लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसमें तीन आते हैं आपके पास, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। सेकंड आता है टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। तो दो मेजर कैटेगरी, नॉर्मल स्लैश लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकंड टेंजेंशियल और शियरिंग। नॉर्मल में तीन टाइप आते हैं, तो अभी हम सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या आप जिसको नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे हो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, देखो कोई भी एक वायर है, आपने उस पर कोई लोड लगाया, ऊपर मान लो आपने फिक्स कर दिया, मान लीजिए आपने क्या किया, ऐसे कर लो तुम, ये आपने वायर लिया और ये फिक्स कर दिया, और आपने एक फोर्स लगाया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लग रहा है, इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, जो रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया बनेगा ये नॉर्मल स्ट्रेस है यहाँ पे। अब यहाँ पर स्ट्रेच होती है वायर टेंसाइल में, कंप्रेसिव में क्या होता है कि सपोज आपने यहां से इसको फिक्स कर रखा था और आपने इसको नॉर्मल फोर्स ही लगाया अभी भी, बट ऐसे लगाया कि ये कंप्रेस होगा, इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। क्लियर है ये बात सबको? जैसे अगर मैं इस सिलेंडर को या वायर को दोनों तरफ से खींच रही हूँ, वो खींच रही है ना, वो टेंसाइल होता है। कंप्रेसिव में आप फोर्स ऐसे लगाते हैं कि उसका डायमेंशन डिक्रीज हो रहा होता है, मतलब लेंथ डिक्रीज हो रही होती है, एरिया इंक्रीज हो सकता है। क्लियर है ये वाला पार्ट? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको मैंने क्यों कराया है, मतलब लाइक ऐसे सवाल तो नहीं आता कि टेंसाइल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करते हैं ना, वहां पर आपको बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू इतना है, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही फोर्स लगाया है, उसको स्ट्रेच किया गया है। कंप्रेसिव में फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होता है कि वो कंप्रेस हो रहा होता है, सिंपल। नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल क्यों लिखा है, क्योंकि फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लगता है। अब एक क्वेश्चन आप करेंगे, अ लोड ऑफ 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्टील वायर, मान लो ये सीलिंग है और एक स्टील वायर के थ्रू आपने कोई
लोड, यानी सपोज 4 kg का लोड उस पे लगाया गया है और रेडियस आपको दे रखा है 2 mm. फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस, एफ बाय ए ही होता है, कंप्रेसिव भी और टेंसाइल भी. अब फोर्स कितना है बेटा, 4 kg से 4 × g कर दे और g की वैल्यू क्या रखनी है, 3.1 × 10⁻⁶. यस, पाई आर स्क्वायर यानी 2 × 10⁻³ का स्क्वायर. मीटर में करना पड़ेगा ना, मिलीमीटर में. सो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 × 3.1 / 2⁴ × 10⁻⁶. 4 से 4 कैंसिल, 3.1 × 10⁶. यही आ रहा है? यस मैम. सभी का यस. ये आपके ऊपर वाला पाई कहाँ से लाया? ये इन्होंने बेटा यहाँ लिखा है कि जी की वैल्यू आपको 3.1 पाई लेनी है. ओके मैम, ठीक है. यूनिट्स, अगर यूनिट्स का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके नीट के एग्जाम में इस तरह के सवाल देखे हैं मैंने. ठीक है, तो ये बताओ कितना आंसर आएगा. वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, ये टोटल लेंथ एल है. One end of uniform wire of length L and weight W is attached rigidly to a point in the roof. इसका weight कितना है W? यानी L length का weight आपको दे रखे W. And weight W1 is suspended from its lower end. यहाँ से आपने W1 भी suspend कर दिया. Area of cross section आपको कितना दे रखा है? S. And the stress in the wire at height 3L/4 from the lower end is. Lower end से 3L/4 हाइट पे आपको देखना है कि कितना स्ट्रेस बन रहा है 3L/4 हाइट के ऊपर, यानी यहां आपको देखना है. तो स्ट्रेस अगर मैं लिखूं तो स्ट्रेस का फॉर्मूला तो वही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है. फोर्स बाय एरिया. देखो यहाँ का इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंशन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम, अदरवाइज उन्होंने लिखा होता. तो फोर्स बाय एरिया. अब फोर्स कितना है? एक तो ये W1 है, पर W1 तो यहाँ लग रहा है और हमें लगाना कहाँ है? यहाँ. इसके नीचे जितना भी फोर्स है वो सारा निकालना पड़ेगा. तो एक फोर्स तो W1 है, क्या कोई और फोर्स भी आएगा? मैम जो 3L/4 का उसका भी तो होगा नीचे वेट. यस, पॉइंट पे आप लगा रहे हो, इसके नीचे जितना वेट है वो सारा लेना है. 3L/4 का वेट कितना होगा? 3W/4.3W/4. एरिया तो वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही होगा. So, ये S हो गया. तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? सी. क्लियर है सबको? यस मैम. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. अब बात करते हैं हम लोग शियरिंग स्ट्रेस की. अभी इससे पहले हमने क्या किया है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. ठीक है, यस. अब हम कर रहे हैं शियरिंग स्ट्रेस. शियरिंग स्ट्रेस कब आता है? सपोज ये आपके पास बुक है और बुक के मैं टॉप मोस्ट फेस पे इधर से मैंने इसको फिक्स कर दिया. मान लो मैंने इसको फिक्स कर रखा है मेरे नीचे वाले हाथ पे और ऐसे फोर्स लगा रही हूँ मैं, ऐसे या ऐसे कह लो, ऐसे दिख रहा है आपको ये, ऐसे आगे की तरफ. सो फोर्स लग रहा है पैरेलल टू द सरफेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब जैसे हमारे पास वहां कैसे फोर्स लग रहा था, तो वो वहां ऐसे लग रहा था कि ये एरिया है और इसके नॉर्मल आपने फोर्स लगाया. शेयरिंग स्ट्रेस में क्या कैसे है, ये वाला अगर एरिया है तो इसके पैरेलल लग रहा है और एक एंड यहाँ पर फिक्स कर रखा है. तो यहां से अगर आप देखेंगे, मान लो मैंने इस सिलेंडर को नीचे यहाँ पर फिक्स कर दिया और यहाँ मैंने फोर्स लगाया, तो ऐसा कुछ शेप हो जाएगा. यस yes? होगा या नहीं होगा? यस मैम. यस मैम. आपके पास स्ट्रेस क्या है? दिस फोर्स बाय एरिया. फॉर्मूला वही है बट फोर्स लगाने का जो तरीका है वो अलग हो गया है. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब ये वाला लेंगे जो पैरेलल टू फोर्स है. क्लियर है सभी को? और ये जो कितना आगे खिसकता है इसको हम डेल्टा एक्स लिखते हैं.
ये आपका स्ट्रेन में काम आएगा, और ये कितना एंगल आगे खिसक जाता है इस पॉइंट से, उसको हम फाई लिख देते हैं। ठीक है, इस ट्रेन में हम काम इसको यूज में लेंगे, अभी सिर्फ आप देख लो डायग्राम ये है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब आता है आपके पास वॉल्यूम या फिर बल्क स्ट्रेस। तो इस केस में क्या होगा, फॉर्मूला वही है, फोर्स बाय में एरिया। अब देखिए यहाँ पर फोर्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस में ही हाइड्रोलिक स्ट्रेस लिखा था, वो यही है वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस। अभी देखो मान लो आपके पास ये एक ट्यूब था, और मान लो इसके ऊपर एक एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पी नॉट, और हमने इसके ऊपर क्या किया एक और सपोज ये वाला एग्जाम्पल से पहले आप इस एग्जाम्पल पे आओ। सपोज आपने पानी के अंदर ना कोई चीज डाल दी, तो पानी के अंदर प्रेशर होता है या नहीं होता है? होता है, नहीं होगा, और हर जगह आपको प्रेशर होता है। तो प्रेशर जो होता है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है वैसे, फोर्स बाय में एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स बाय में एरिया। तो ये जो फोर्स लग रहा होता है फ्लूइड की वजह से, हर जगह हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, सो स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। तो ये एग्जैक्टली अगर हम देखें तो प्रेशर के बराबर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि उसके ऊपर इनिशियली कोई प्रेशर हो, जैसे मान लो ये वाला क्यूब था, इसके ऊपर इनिशियल कुछ प्रेशर था, बाद में इसके पास क्या आ गया, नया जो प्रेशर बन रहा है, सपोज आपके पास पी नॉट है और फिर आपके पास कुछ और वैल्यू आ गई, सर्टेन एक्स वाई जेड, डेल्टा पी हमने लिख दिया। अब देखो जो इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा वो नेट प्रेशर से आएगा ना, कि फाइनल माइनस इनिशियल जो वैल्यू आएगी उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। सो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करते हैं तो डेल्टा पी बच जाता है। ठीक है, तो फोर्स बाय एरिया में हम चेंज इन प्रेशर लिख देते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। बाद में जो प्रेशर है माइनस जो इनिशियल प्रेशर है वो। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, हेयर चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, नो चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। जो आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेस है, बल्क स्ट्रेस है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया, हर पॉइंट पर ये लग रहा है। ठीक है, तो उसका शेप तो वही रहता है लेकिन वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रेन की। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब वो अलग अलग तरीके से आपके जो अलग अलग स्ट्रेसेस हैं तो उनमें कौन कौन से स्ट्रेन आते हैं वो हम पढ़ेंगे। स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। उसके बाद आपके पास आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब आपने एक नॉर्मल फोर्स लगाया इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, तो उसका लेंथ कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो कितना लेंथ इंक्रीज हुआ और पहले कितना लेंथ था, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, और चेंज इन लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। शियरिंग स्ट्रेन, अभी मैंने पीछे बोला था, डायग्राम आगे आएगा, कि जब आपने इस फेस के ऊपर एक फोर्स लगाया तो ये आगे खिसक गया, कितना आगे खिसक गया, उसको डेल्टा एक्स लिख दिया। ओरिजिनल जो उसका लेंथ था वो यहाँ था। ठीक है, और कितना आपके पास एंगल आगे गया, वो थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, दिस डेल्टा एक्स वो कितना आगे खिसका, डिवाइडेड बाय ये जो उसका एक्चुअल लेंथ था, डेल्टा एक्स बाय एल। और अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा निकालती हूँ तो वो भी मेरे पास डेल्टा एक्स बाय एल है, राइट? और ये एंगल बहुत स्मॉल होता है तो टेंजेंट थीटा को आप थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखेंगे कि शेयरिंग स्ट्रेन में क्या है, डेल्टा एक्स कितना आगे गया डिवाइड बाय दिस लेंथ। ये लेंथ देखिए कौन सी है, जो परपेंडिकुलर है फोर्स, मतलब जो फोर्स लगा है उसके परपेंडिकुलर लेंथ है ये वाली। ओके, सो ई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा। शेयरिंग स्ट्रेन क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब एक क्वेश्चन कर दो फिर। अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 0.1 मीटर, चलो एक क्यूब बना देती हूँ मैं, सॉलिड स्टेट, आपकी केमिस्ट्री में डिलीट हो गया ना? हाँ जी, उसमें बनाते थे बहुत सारे क्यूब्स हम। मैम पर पढ़ा है, स्कूल बोर्ड में तो था। अच्छा, बोर्ड में नहीं था, नहीं था वो। पता है मैंने जब मास्टर्स किया था तो उसमें एक स्पेशलाइजेशन होती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स अलग से पूरी एक बुक है, मतलब एक सब्जेक्ट है, मान इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट होता है, मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन था कंप्यूटेशनल फिजिक्स था एंड पार्टिकल फिजिक्स था। अब देखिए क्या बोला है, क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 0.1 मीटर, ये साइड आपके पास कितनी है 0.1, इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन।
टॉप फेस ऑफ क्यूब इज डिस्प्लेस, यहाँ आपने क्या लगा दिया 100 न्यूटन, और ये कितना डिस्प्लेस हुआ ये आपको क्या दे रखा है, डेल्टा एक्स दे रखा है ना, 0.02 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस. शेयरिंग स्ट्रेन वुड बी, शेयरिंग स्ट्रेन कितना होगा, 0.002. ओके लेट्स सी डेल्टा एक्स बाय एल, तो डेल्टा एक्स तो 0.02 सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इनटू 10^-2, 10^-2, और एल कितना दे रखा है आपको 0.1. ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इनटू 10 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 × 10^-1, यानी 0.002. क्लियर है सभी को? अच्छा यूनिट्स नहीं आ रही है ना, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर और नीचे जो चीज आप रख रहे हो सेम यूनिट है, यूनिटलेस हो क्या. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. अब वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें. अब देखिए जब आपने बल्क स्ट्रेस लिया या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिया तो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा था, ठीक है, डिवाइडेड बाय में एरिया, उसी को आपने क्या रख दिया था, चेंज इन प्रेशर रख दिया था. अब एक्चुअली में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी क्या, कि शेप नहीं बदलता बट वॉल्यूम चेंज होता है, डिक्रीज हो रहा है ना वॉल्यूम, डेल्टा वी बाय वी, ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेन. अब एक क्या होता है कि नेगेटिव साइन हम ऑलरेडी लगा के रखते हैं, क्योंकि जो ये स्ट्रेन का वैल्यू है ई जिसको आप बोल रहे हैं, इसको हम पॉजिटिव रखते हैं, तो हम एक नेगेटिव पहले ही लगा लेते हैं. क्यों? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा, फाइनली तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करोगे तो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाता है. तो ये हमने अपनी तरफ से लगा दिया, फॉर कन्वीनियंस हम पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं इसलिए लगाया. क्लियर है सबको? यस मैम. नेगेटिव का मतलब आप ये भी कह सकते हो क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करता है, इसलिए हम नेगेटिव लगा देते हैं पहले ताकि वो पॉजिटिव रहे ओवरऑल. लेकिन आपने तो बोला वॉल्यूम उसका डिक्रीज नहीं होता, वॉल्यूम क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता वॉल्यूम, अभी तो आपने बोला नहीं वॉल्यूम, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, शेप नहीं चेंज होती. ओके मैम. ठीक है आगे. अ स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ लोड टू इट्स फ्री एंड, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग स्प्रिंग इज लॉन्गिट्यूडनल एंड शियर. बिल्कुल, स्प्रिंग है और आपने इस पे सपोज कोई लोड लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा खिंचता भी है, खिंचता है ना इसे, और ये अपना ओरिजिनल जगह से कुछ एंगल भी डिस्टॉर्ट हो जाता है, ये एंगल कुछ ना कुछ एंगल ले गया ना यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों चीजें आएंगी, लॉन्गिट्यूडनल एंड शियर. क्लियर है सबको? लेंथ का तो प्रॉब्लम ही नहीं था हमको, यस लेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप उसको कर रहे हो तो उसका ओरिजिनल जो लेंथ था ये है उसका ओरिजिनल लेंथ, जो भी आपकी बॉडी है, आपने अब उस पर फोर्स लगाया तो लेंथ तो बढ़ी रही है, बट वो ऐसा नहीं है कि आपके पास उसी शेप में रह रही है, वो थोड़ी सी इस तरीके से हो जाते हैं, जो स्प्रिंग के लूप्स होते हैं वो थोड़े 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 अपनी पोजिशन से किसी एंगल पे चले जाते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये सबको? यस मैम. एग्जैक्टली अगर मैं बनाऊ तो ये मान लो ये हो गया और ये आपका इसका ओरिजिनल, ठीक है, तो कुछ एंगल से ये वर्टिकली अपोजिट होंगे, कुछ एंगल से वो डिस्टॉर्ट होगा. आगे चलते हैं. अच्छा इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें मैथ्स का एक एक्सप्रेशन यूज होता है, ये एक वाले बच्चे कर लेंगे, बट आप एक बार ट्राई करो, जहां वो यूज होगा मैं बता दूंगी. अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 2L, ये आपके पास एक स्टील वायर ऑफ लेंथ 2L, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज स्ट्रेच्ड वेल विद एन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में ही स्ट्रेच किया गया है, हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पिलर्स, ठीक है, एमएन एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर, कैसे स्ट्रेच हुआ है, इससे स्ट्रेच हुआ है, इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट से एक बंदा लटक जाता है इसमें, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे आ जाएगी शेप इसकी, राइट? आइडिया नहीं आएगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लो एक धागा लिया, धागे को बीच में से खींचोगे ऐसे ट्रायंगल सा बन जाएगा ना, ऐसे होगा, मान लो ये x की आ गई, ठीक है. अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, स्ट्रेन इन द वायर, स्ट्रेन क्या होता है, कौन सा स्ट्रेन आ रहा है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है,
यस मैम तो यहां से आपके पास न्यू जो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ निकालेंगे सबसे पहले। चेंज इन लेंथ कैसे निकालोगे? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या होगी? दिस दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है। और ये एक्स है, ये आपके पास मिड पॉइंट से बंदा लटक गया, एलएल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, राइट। सो आपके पास फाइनल लेंथ को मैं लिख दूं ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस मैम, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इनिशियल लेंथ लिख दूं कितनी? ट्वेल्व, ट्वेल्व, ठीक है। इसको भी लिख लो कैपिटल में, इसको कैपिटल में कर लो, इधर भी सेम आएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू माइनस ट्वेल्व। अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहां पर ट्वेल्व है, यहां पर आप अगर एल स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां पर भी बाहर भी ट्वेल्व आ जाएगा और ये बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यस और नो? यस मैम। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम, ठीक है। अब ट्वेल्व पूरे में से कॉमन ले लेते हैं और देखिए यहां पर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लगती है। अभी आपको पता है कि कोई एक स्ट्रेस स्प्रिंग है, मान लो इतनी बड़ी कोई दो पोल्स के बीच में लगी है और एक छोटा सा मास का अगर कोई बंदा लटक जाता है उसके ऊपर, तो हल्का सा नीचे आएगा ना, जो एक्स की वैल्यू बहुत कम है और उसका भी आपने स्क्वायर कर दिया और कम होगी, डिवाइड बाय इतनी बड़ी लेंथ का स्क्वायर कर रखा है, तो ये जो वैल्यू है ये वन से काफी लेस है, राइट। जैसे ये एक्सप्रेशन इज वेरी 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 सॉरी एक्स इज लेस देन वन, सो क्या होता है पावर एक्स के आगे आ जाती है, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास आता है वन प्लस वन बाय टू, हाई ऑर्डर टर्म्स निग्लेक्ट हो जाती है, यस वन बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस ट्वेल्व। यहाँ से अगर आप ट्वेल्व कॉमन ले लेंगे या आप क्या कर सकते हो, ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ सॉरी हम लोगों ने ट्वेल्व तो पहले ही कॉमन ले लिया था ना। यस मैम, वहाँ ट्वेल्व नहीं आएगा, यहाँ ट्वेल्व नहीं आएगा, यहाँ आपके पास क्या आएगा? वन आएगा ना। करेक्शन करेक्शन, रेड पेन से करते हैं करेक्शन। यहाँ आ रहा है आपके पास एक ब्रैकेट अंदर ये था और एक माइनस वन है, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये पावर आगे आ गई और एक माइनस वन बच जाएगा, राइट माइनस वन, तो ये कैंसिल हो गया, ट्वेल्व से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। क्या यही निकालना था? ये तो आपने डेल्टा एल निकाला है, अब डेल्टा एल बाय एल करेंगे तो डेल्टा एल कितना है? एक्स स्क्वायर बाय एल, और बाय एल कितना है जो ओरिजिनल लेंथ थी कितनी? ट्वेल्व, ट्वेल्व। सो आंसर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अब करते हैं बात हम हुक्स लॉ की। मैम इसको करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? ऐसे बहुत लेंथी नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, यस मैम नीड तो काफी लेंथी है, काफी लेंथी नहीं है मैम। कल मैंने ये क्वेश्चन किया था ना, मैंने वीडियो भी देखी, समझ ही नहीं आया। अभी समझ आ गया? हाँ मैम अभी तो आ गया। ओके, यहाँ पर एक मैथ्स का ट्रिक लगेगा, ठीक है, बायनोमियल थ्योरी ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपने जो मैथ का ट्रिक लगाया ये शॉर्ट ट्रिक ही तो है, आपने उसकी कैलकुलेशन को इजी कर दिया, नहीं तो रूट निकाल सकते हम लोग। मैथ जो मैथ्स बाय वाले तो मैथ्स कम ही पढ़ते हैं, उनको तो मैथ्स को तो मैथ्स की तो चीजें हमें राइट डाउन करके रखनी चाहिए जब भी आती है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ये रख लो। वैसे बहुत कम चांसेस है बट मैं कोई चांस छोड़ना नहीं चाहती कि बाई चांस कहीं आसपास भी सवाल आ जाए तो आप कर पाओ, ठीक है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर वैल्यूज ही दी होती, एक्स और एल की ऐसे वैल्यू दी होती तो आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मान लो अंडर रूट 25 बन रहा था, 5 आ जाता, तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज इजी हो जाएंगी ना। ये तो हमने पूरा एक्सप्रेशन निकाला इसलिए ज्यादा हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है। yes, अगर वैल्यू गिवन होती तो आपको जस्ट पुट करना था, आंसर आ जाना था, राइट। ठीक है, नीट में आप ये समझ लो कि कुछ अगर सवाल ऐसा आता है ना तो ऐसे आएगा कि वैल्यू पुट करी और यहीं सॉल्व हो जाएगा, इसी स्टेप पे सॉल्व हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल, सिंपल। हम सी फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर वाला।
अब तो अगर याद डायरेक्ट ही, स्प्लेन निकालना इतना हो। डिस्कशन के बाद तो याद ही हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हुक्स लॉ। देखिए सारे स्ट्रेस हो गए, सारे स्ट्रेन हो गए हैं, ओके। अब बात करेंगे हम हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर स्मॉल डिफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपने कोई फोर्स लगा दिया एकदम से, तो उस केस में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता, ठीक है। अंडर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, इसी को आप मॉड्यूलाई बोलते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलाई जिसको आप बोल रहे हैं। इसी के तीन पार्ट होते हैं जो कि अभी हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। डिफरेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन, तीन टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े ना, तो तीन टाइप ऑफ मॉड्यूलाई आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ई है, जो इलास्टिक मॉड्यूलस कांस्टेंट है, इसकी जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये डिपेंड किस पे करता है कि मटेरियल क्या है, स्टील है, कॉपर है, लेड है, तो उसके हिसाब से अलग अलग वैल्यू आती है, बट वैसे कांस्टेंट होगी फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, सो अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। हो सकता है कोई छोटा मोटा सवाल आपका यहाँ से बन जाए, क्योंकि यही एक ऐसा है जिस जो जल्दी भी अटेम्प्ट होता है और थोड़ा थियोरेटिकल है, तो बच्चों ने अगर सारा रिवाइज कर रखा है तो ही वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मैं सारे जो इसके की पॉइंट्स है वो बता देती हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर। मान लो कोई भी आपने वायर लिया, वायर पे आपने कोई फोर्स लगाना शुरू कर दिया, आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, स्ट्रेन यहाँ से आपके पास आता जा रहा है। भाई आप फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन भी आएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या होता है? हुक्स लॉ फॉलो होता है। ये वो पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां तक क्या है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आएगा। हुक्स लॉ ऑबेड है, जितना स्ट्रेस आया उतना स्ट्रेन आया। अब ये याद रखिए कि ये आपके पास जो है लाइन जो बन रही है ये 45 डिग्री पे नहीं है, ये थोड़ी सी स्ट्रेस की तरफ इंक्लाइंड है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अब आप फोर्स बढ़ा रहे हो, ए पॉइंट तक तो हुक्स लॉ वैलिड है, अभी भी आप फोर्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? स्ट्रेन अभी भी आएगा, बट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता। यस डेफिनेटली अगर आप उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो रिमूव करोगे, वो ओरिजिनल शेप अभी भी गेन कर लेगा, ठीक है। ए पॉइंट तक तो कर ही रहा है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, फोर्स आपने एक्सटर्नल हटाया, अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर रहा है। बी पॉइंट तक भी कर रहा है, बट ए टू बी के बीच में प्रॉब्लम क्या हो गई? यहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं आएगा। इस पॉइंट को क्या बोलते हो आप? इलास्टिक लिमिट। क्लियर है सभी को? और इलास्टिक लिमिट कौन सा पॉइंट है? जहां पर अगर मैक्सिमम फोर्स के बाद मैक्सिमम फोर्स देता है, अगर उस फोर्स से ज्यादा आपने फोर्स लगा दिया तो क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। इससे पहले तक और इस तक भी क्या होता है कि इलास्टिक होता है, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेता है। सो ये जितना भी ब्लू कलर है ये इलास्टिक रीजन है। ए पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड है और ए टू बी तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, बट एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। क्लियर है बात सबको? यस मैम। यस मैम। अब ये इसको हम यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। दो यील्ड पॉइंट होते हैं, एक होता है अपर यील्ड पॉइंट, एक होता है लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है कि इसके बाद आपके पास प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है, प्लास्टिक बिहेवियर का इनिशिएशन हो जाता है। तो ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसके ऊपर प्लास्टिक बिहेवियर का इनिशिएशन है। और सी पॉइंट क्या है? वो मिनिमम स्ट्रेस है विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्लास्टिक बिहेवियर। बट आपका इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि डायग्राम में दो यील्ड पॉइंट दे रखे हैं, एक अपर यील्ड पॉइंट एक लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। बी पे प्लास्टिक बिहेवियर इनिशिएट हो जाता है, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसपे प्लास्टिक बिहेवियर इनिशिएट होता है। सी पे वो मिनिमम स्ट्रेस जो रिक्वायर्ड है टू मेंटेन द प्लास्टिक बिहेवियर, ये सी हो गया, ठीक है। अब इस लोअर पॉइंट है, अपर कौन सा है मैम? अपर बी है बेटा, बी और लोअर सी है। पहले एक बार ऊपर पीक बनता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऐसे फिर इंक्रीज होता है। अब इस पॉइंट के बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, बी के बाद वैसे प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो चुका है, वहां परमानेंट डिफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आप अगर स्ट्रेस को जीरो करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन रह जाती है। अब ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे तो डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम फोर्स है जहां तक आपके पास मटेरियल झेल पाएगा जो आपने बाहर से उस पर फोर्स लगा रखा है, ठीक है। आप ये ऐसे भी बोल सकते कि ब्रेकिंग स्ट्रेस है, और इसका एक और नाम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ से न्यूमेरिकल आ जाता है और हमें नहीं पता होता टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस को ही हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस है अगर इससे आगे
आपने फोर्स हल्का सा भी कम भी कर दिया, मैं कह रही हूँ कम भी कर दिया, तो भी क्या होगा कि मटेरियल खिंचता चला जाएगा और एक पॉइंट पर आके टूट जाएगा। सपोज मैंने एक वायर लिया और वायर को मैंने खींचा, ठीक है, मैं खींचते जा रही छोड़ रही हूँ, पहले आएगा इलास्टिक रीजन वाला पार्ट, ठीक है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो इलास्टिक रीजन है, उसके बाद भी मैं फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, वो अब क्या होगा कि अगर मैं फोर्स एक्सटर्नली फोर्स जो मैंने लगाया हटा दिया और तो ओरिजिनल शेप में जा रहा है बट उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, अब फोर्स लगा रहे डी तक क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रही है, अगर आप स्ट्रेस जीरो करोगे तो स्ट्रेन कुछ कुछ बच रहा है, डी पॉइंट पहुंच गए ना, तो डी पॉइंट के बाद अगर आपने स्ट्रेस भी कम किया तो भी अब मटेरियल खींचने से रुकेगा नहीं, वो खिंचता चला जाएगा और ऐसे पतला सा धागा बन के टूट जाएगा। बात समझ में आई? फ्रैक्चर पॉइंट ई पॉइंट है और जहां से वो ऐसे अपने आप ही खिंचता चला जाएगा वो डी पॉइंट है। बियॉन्ड पॉइंट डी एडिशनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इवन बाय रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स, आपने इस पॉइंट के बाद अगर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स कम भी किया ना तो भी मटेरियल टूटने से बच नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? सारे की पॉइंट समझ में आ गए? ए पॉइंट क्या है? जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है। बी पॉइंट क्या है? वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, इलास्टिक रीजन सारा इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक ही है, लेकिन हुक्स लॉ ए तक है, ए टू बी हुक्स लॉ नहीं आएगा। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रेकिंग स्ट्रेस, कि अगर यहां तक अगर आप पहुंच गए इसके बाद रिड्यूस भी कर दोगे ना एडिशनल रिड्यूस भी कर दोगे स्ट्रेस तो भी मटेरियल टूटने से रुकेगा नहीं और एक पॉइंट पर जाके टूट जाएगा। मैम सी वो पॉइंट है ना जिसके बाद जाके वो जो मटेरियल है वो अपनी इलास्टिक लिमिट में वापस नहीं जा पाएगा, वो तो बी ही है बेटा। तो मैम सी लो यील्ड पॉइंट है, इन्होंने हर एक मटेरियल का एक ऐसा पॉइंट होता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं तब भी प्लास्टिक बिहेवियर, अब जैसे यहाँ बी पॉइंट तक तो आप क्या कर रहे थे, स्ट्रेस बढ़ाए जा रहे थे, ठीक है, अब बी से आपने स्ट्रेस रिड्यूस, बी के बाद वैसे क्या होता है कि आपके पास प्लास्टिसिटी आनी शुरू हो जाती है, मतलब डिफॉर्मेशन रहनी शुरू हो जाती है, बट आप स्ट्रेस तो नहीं बढ़ा रहे ना, स्ट्रेस कम कर रहे हैं तो भी आ रही है परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके मैम, तो ये वो मिनिमम स्ट्रेस है जहां तक परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगी, इससे नीचे करोगे तो नहीं, आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा। ओके मैम, सी पॉइंट अभी आपके लिए आप याद रखिए, सी पॉइंट अभी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, यस जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, हाई हील पॉइंट लोअर हील पॉइंट, बट आपको सिर्फ ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस, फ्रैक्चर पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट, बस यही पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। मैम फ्रैक्चर तो ई वाला है, मतलब ई पे पूरा फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, यस। और डी पे मैम, डी वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जहां तक अगर आप लगा रहे हैं तो मटेरियल टूटे तो नहीं गा, परमानेंट डिफॉर्मेशन तो आ रही है, टूटेगा नहीं, अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो टूटेगा नहीं, बट डी पे पहुंच गए तो अब चाहे हटाते रहो कम करते रहो वो टूटेगा ही टूटेगा। ओके मैम, क्लियर है सभी को? ब्रेक तो फिर डी और ई दोनों में हो रहा है ना, तो डी तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, बट डी टू ई तो आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जा रही है। ओके मैम, ठीक है, हर मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू अलग अलग है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे स्टील का अलग है, कॉपर का अलग आएगा, मैक्सिमम फोर्स जितना वो बियर कर पाता है वो अलग अलग आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कहाँ आता है, देखिए ये तो आ ही सकता है, इलास्टिक रीजन किस पॉइंट तक है, इलास्टिक लिमिट तक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम फोर्स जब तक कि मटेरियल जो है टूटना शुरू नहीं होगा, और ई पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, ये छोटे मोटे पॉइंट है। अब एक्चुअल क्वेश्चन का आता है ब्रिटल मटेरियल, ग्राफ दे देंगे आपको, पूछेंगे दो तीन ग्राफ दे दिए, पूछ लेंगे ब्रिटल मटेरियल कौन सा है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल कौन सा है, इलास्टोमर कौन सा है। तो देखिए ब्रिटल मटेरियल का मतलब क्या है कि वो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है, वो खिंचेगा नहीं ना ज्यादा, कोई जैसे मान लो कि कोई भी चीज है गिर गई या आपने उस पर कुछ फोर्स लगाया तो खिंचने का टेंडेंसी नहीं है उसमें, वो टूट जाएगा, राइट तो उसके अंदर इसका मतलब प्लास्टिक रीजन तो है ही नहीं, जो ब्रेकिंग पॉइंट है दैट इज वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट देन। यस मैम, राइट, ब्रिटल का मतलब क्या है कि उसमें खिंचने का संभावना ज्यादा नहीं है, अगर आपने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो टूट ही जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसका प्लास्टिक रीजन स्मॉल होना चाहिए, यस और नो? यस मैम, राइट, तो प्लास्टिक रीजन बिटवीन, अभी जैसे पी पॉइंट है ये तो हो गया,
प्रोपोर्शनल लिमिट जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है। ये ई पॉइंट आपके पास हो गया कौन सा, अभी जैसे इन्होंने बोला है प्लास्टिक रीजन बिटवीन ई एंड सी, अगर ये इसको प्लास्टिक बोल रहे हैं तो दिस इज लिमिट पॉइंट, राइट? ओके, सॉरी नहीं बेटा, ई और सी के बीच में प्लास्टिक रीजन बोल रहे हैं, दिस इज लिमिट पॉइंट, तो ये तो प्रोपोर्शनल वाला पॉइंट हो गया, ये नहीं। प्लास्टिक रीजन तो ई के बाद शुरू होता है ना, और ब्रेकिंग पॉइंट yes, होता है, ठीक है, तो दिस इज योर लिमिट पॉइंट ई, और सी इज योर ब्रेकिंग पॉइंट। अब उस जो भी मटेरियल है, जो ब्रिटल है, उनका प्लास्टिक रीजन बहुत स्मॉल होता है, इलास्टिक पॉइंट के बाद तो ज्यादा फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा और जल्दी टूट जाएगा। डक्टाइल मटेरियल जैसे हमारे वायर्स होती हैं, लंबी लंबी तारे होती है ना, तो लंबी तार तो कब बनेगी, एक मान लो आपने एक छोटा सा पीस लिया, स्टील का पीस लिया, मुझे स्टील की वायर बनानी है, तो मैं उसको खींचे जाऊंगी, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रहनी चाहिए ना बढ़िया, तभी तो इतनी लंबी वायर बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, इसका मतलब उसका प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक रीजन, जैसे यहां से आपका प्लास्टिक रीजन शुरू हो रहा है, ये प्लास्टिक रीजन है, डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है, ब्रिटल में प्लास्टिक रीजन कम होता है, ठीक है। अब इलास्टोमर्स का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, रबड़ का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है, रबड़ में आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा खींचो इतना सारा खींच जाता है, हल्का सा फोर्स लगाया इतना खींच जाता है, और जब ये रबड़ टूटता है, जरा सोचो आप खींचे जा रहे हो इतना खींच गया, ठीक है, आप यहां से भी छोड़ोगे वापस चला गया, इतना खींच गया, मैक्सिमम खींच चुकी मैं उसको, अब इससे ज्यादा ना खींचूंगी वो टूट ही जाता है तुरंत, यस और नो, यस, राइट? तो इलास्टोमर्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, और जो ब्रेकिंग पॉइंट है इसका भी क्लोज होता है इलास्टिक लिमिट के, और इलास्टिक लिमिट तक वो खींचेगा और अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है वो, क्लियर है बात सबको? मैम इलास्टोमर्स में हुक्स लॉ ओबे नहीं होता, नहीं हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता, स्मॉल स्ट्रेस पे बहुत हाई स्ट्रेन आता है, ओके चले आगे। इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स क्या है, ब्रिटल में प्लास्टिक रीजन स्मॉल, डक्टाइल में प्लास्टिक रीजन लार्ज, एंड इलास्टोमर्स में फॉर स्मॉल स्ट्रेस स्ट्रेन इज वेरी लार्ज एंड ब्रेकिंग पॉइंट इज क्लोज टू इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, अब हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक लेना है 5 मिनट का? नो मैम ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमने हुक्स लॉ से निकाला था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट कांस्टेंट इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब तीन टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े थे, जैसे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस, एंड आपके पास क्या था, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेस बाय बल्क स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या आप बोल सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो आपके पास इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई जैसा होता है, ऐसा सा गामा जिसको बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो ई है ये डिपेंड करता है मटेरियल पे या टेम्परेचर पे, डायमेंशंस ऑफ बॉडी से इसका कोई लेना देना नहीं होता, एक कांस्टेंट वैल्यू है मटेरियल की, कॉपर की एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, स्टील की एक अलग वैल्यू आ जाएगी, लेड की अलग आ जाएगी, क्लियर है सबको? यस मैम। चलो अब इन तीनों के फॉर्मूले हैं और कोई डेरिवेशन नहीं है इसके अंदर कुछ भी, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आपका पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एफ बाय ए होता है, बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल और ये एल ऊपर चला गया। yes, फोर्स को आप एमजी पुट कर सकते हैं, मान लो आपने कोई भी फोर्स लगाया है मास, yes, तो आप उसको क्या पुट कर सकते हैं, एमजी इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डेल्टा एल। आगे चलते हैं, अब एक सवाल, व्हाई डू वी प्रेफर स्टील टू कॉपर इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग? अच्छा पहले तो ये बताओ, स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है, रबड़ ज्यादा इलास्टिक होता है? स्टील इलास्टिक होता है, जो अपनी ओरिजिनल शेप को जल्दी रिगेन कर लेता है, और जिसको जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बहुत हाई होता है, तो इलास्टिक मटेरियल होगा, काफी इलास्टिक मटेरियल होगा,
अब यहाँ सवाल है कि स्टील और कॉपर में स्प्रिंग बनाने के लिए हमें कौन सा चाहिए है? स्टील, जो ज्यादा इलास्टिक, स्टील चाहिए। और इसका रीजन अगर आपको क्वेश्चन में आएगा ना तो ऐसे आएगा कि मान लो यंग्स मॉडुलस उसका हाई है, लो है, या इट डज नॉट डिपेंड अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपके पास यहाँ ये आएगा कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है फॉर स्टील इज लार्जर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। क्लियर है? मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक। तो स्प्रिंग तो ऐसा होना चाहिए ना कि अपनी ओरिजिनल शेप को तुरंत रीगेन कर ले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि धीरे 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 जाए, राइट? तो हम स्टील यूज करते हैं because it is more elastic, its Young's modulus of elasticity is larger. Next yes, पे चलते हैं। अब दो numerical करेंगे, दोनों important हैं। Copper wire of length 2.2 meter and steel wire of length 1.6 meter. Both of the diameter 3 mm are connected end to end. यहाँ एक आपने wire लगा दी, इसका length कितना है? 2.2 meter. और ये कौन सी है? कॉपर। और दोनों का रेडियस सेम है? यस मैम, डायमीटर, डायमीटर सेम है, रेडियस सेम है, यानी डायमीटर सेम है। अब इसके नीचे क्या लगाया गया है? स्टील, ऐसे लगा दिया स्टील। स्टील का लेंथ कितना है? 1.6 meter. ओके, and it is stretched by some load. मान लो कोई force लगा दिया मैंने, the net elongation is found to be 0.70. अच्छा, जब आप एक load लगा रहे हो, कुछ elongation इसका भी होगा, कुछ elongation इसका भी होगा, तो delta L जो net है, that is equal to delta L1 plus delta L2 कर दूँ? Yes ma'am. Plus two. Plus ही करना पड़ेगा ना? Okay ma'am. ठीक है? अब देखिए, delta L1 और delta L2 की value निकाल के put कर देते हैं, क्योंकि delta L तो दे रखा है। नेट इलोंगेशन कितना है? 0.70 mm. यस, इसको हमने कंपेयर करना है डेल्टा एल1 और डेल्टा एल2 को एडिशन से। सो डेल्टा एल1 कैसे निकालेंगे? अभी जो यंग्स मॉडुलस, जब भी वायर की बात हो रही है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यंग्स मॉडुलस की। सो यहां से आपके पास क्या होता है? एफ बाय ए इंटू डेल्टा एल ऊपर एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ एल बाय ए गामा। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। इसमें ना फॉर्मूला रीशफलिंग के काफी क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, काफी कुछ आप कर लेंगे उसमें। सो यहाँ से आपके पास आएगा फोर्स, लेंथ कितना है? 2.2 meter, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमीटर पाई आर स्क्वायर से कितना होगा? 3 mm है, यानी 1.5 mm रेडियस हो गया ना। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी 1.5 इनटू 10^-3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू 10^-3, मीटर में आ गया ना सारा। अच्छा, एक चीज और रहेगी, गामा की वैल्यू। गामा फॉर स्टील कितना होता है, किसी को याद है? गामा फॉर स्टील किसी को याद नहीं? 2 × 10^11 होता है, गैस। लेट मी चेक एक बार। वैसे आपको वैल्यू तो गिवन होगी, इस क्वेश्चन में नहीं है, पेपर में वैल्यू आती है। मैम 2 × 10^11 या 2 × 10^ एक सेकेंड। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 2 × 10^11 प्लस फोर्स तो सेम लगाया है, डेल्टा एल टू के लिए लिखेंगे तो लेंथ कितनी है? 1.6 डिवाइडेड बाय कॉपर का कितना होता है? 1.1 × 10^11 इंटू वही सेम 1.5 × 10^-3 का स्क्वायर। क्लियर है सभी को? yes. ठीक है, और एक पाई भी तो आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और हमें क्या निकालना है?
लोड अप्लाइड, फोर्स ही तो एक वेरिएबल बच गया, बस इसको सॉल्व ही करना है आपको। तो यहां से अगर हम देखें तो 0.70 इंटू 10^-3 इंटू पाई यानी 3.14, 22/7 भी कर सकते हैं वैसे। और आपके पास क्या आ रहा है, 1.5 इंटू 10^-3 होल स्क्वायर। मैं एरिया को उधर ले गई और इधर मेरे पास क्या बचेगा, फोर्स कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ आएगा आपके पास 2.2/2 इंटू 10^11 प्लस 1.6 इंटू बाय 1.1 इंटू 10^11। इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10^2 आ रहा है लगभग। yes, आपका आएगा 170, कितना बताया आपने, 1.8 इंटू 10^2। हाँ नहीं, आपका लगभग बन रहा है 176.62, अप्रोक्सीमेटली 176.62 न्यूटन। आपका कितना बताया दोबारा बोलो, 1.8 इंटू 10^2। हाँ तो लगभग 180 के आसपास ही बन रहा है, ठीक है चल जाएगा। ओके ठीक है, एक पॉइंट हटेगा और एक जीरो, 180 बनेगा ना, और ये भी 176 है। सो तो ऑप्शन अगर बिल्कुल ही एग्जैक्ट होंगे तो वो तो ऑप्शन के हिसाब से भी क्लियर हो जाएगा, विच इज वेरी क्लोज। ठीक है, बाकी इसका अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो आपके पास नहीं, वो वाई के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता। चलो इसको तो आपको सीधा ही करना पड़ेगा। समझने का मतलब ये था, आपको तो खैर वैल्यूज इजी मिलेंगी, ये थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है, आपको पेपर में वैल्यू इजी मिलेगी। ठीक है, कुछ ऐसी होगी फटाफट कटेगा, इतनी कैलकुलेशन आपके नीट के एग्जाम में नहीं आने वाली है, बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि नेट इलोंगेशन इज इक्वल टू Δ L1 + Δ L2। Δ L1 कैसे निकाल के पुट करना है, Δ L2 कैसे निकाल के पुट करना है, और जस्ट उसको सॉल्व करना है। क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट पे चलते हैं। मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ विल। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मान लो पहले आपके पास वायर थी, ठीक है, और इसको काट दिया, इतना बना दिया मैंने इसको, ठीक है। सो इसमें अब फोर्स मैक्सिमम मैं कितना लगा सकती हूँ जिसके लिए ये ना टूटे। ये फोर्स मैक्सिमम ऐसा होता है जिस तक नहीं टूट रहा, इसके बाद तो टूट ही जाएगा। बेसिकली मुझे बताओ कौन से स्ट्रेस की बात हो रही है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात हो रही होगी ना? ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो क्या होती है, फोर्स मैक्सिमम जो लोड उस पे मैक्सिमम अप्लाई हुआ है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ये मैक्सिमम लोड निकालना है, दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, दैट इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम। यस और नो? यस। अब जब आपने इसको काटा तो क्या एरिया बदला, ये एरिया बदला क्या? नो मैम, ये ना हाफ हाफ लोड है तो ये तो कांस्टेंट है। और मैंने आपको क्या बोला था, ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, कॉपर कहाँ कौन से लोड पे टूटेगा वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, स्टील कहाँ टूटेगा वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया। यस मैम, यानी कि फोर्स मैक्सिमम रिमेन्स सेम। क्लियर है? पहले जितना था अभी भी उतना ही लगेगा, उसको बीच में से कट करने से कोई चेंज नहीं। यस, अगर एरिया वगैरह कुछ चेंज होता तो अलग बात थी। आगे चले? यस चलो आ जाओ इस पे। इसके लिए मैं आपको दो फॉर्मूले बताती हूँ। टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस आर जॉइंड एंड टू एंड एंड लोडेड। ठीक है, दो वायर्स सेम लेंथ सेम रेडियस एंड टू एंड लोड कर दिया, जैसे हमने पीछे सॉरी एक सवाल किया था, तो रिजल्टेंट यंग्स मॉडुलस कितना होगा ये पूछा है। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना,
वैसे ही इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस कितना होगा जब आपने दो वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया एंड टू एंड कनेक्ट कर दिए, ऐसे पैरेलली कनेक्ट है ना जॉइंट, यस मैम पैरेलली कनेक्ट किया है ना, मतलब एंड टू एंड, एंड टू एंड मतलब है एक एंड पे दूसरा एंड। तो अब इसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा, सपोज इसके लिए यंग्स मॉडुलस वाई वन है, इसके लिए वाई टू है, तो इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस कितना होगा? इसका फॉर्मूला रहता है टू बाय वाई, दिस इज इक्वल टू वन बाय वाई वन प्लस वन बाय वाई टू, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय वाई वन वाई टू, दिस इज इक्वल टू टू बाय गामा, और ये आ जाएगा आपके पास गामा, मुझे निकालना था। मैम वैसा नहीं फॉर्मूला होता है सीरीज में होता है कैपेसिटर का, हाँ बट वहाँ टू नहीं होता ना बेटा, यस ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, अभी मेरा गलत yes, हो गया। गामा वन प्लस गामा टू, और ये तो चलो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, ये तो फॉर्मूला रह गया आपके पास जब वो एंड टू एंड कनेक्टेड है। अगर इन्हीं को मैंने पैरेलली कनेक्ट करा होता सेम रेडियस सेम लेंथ, उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला बनता वो आपके पास क्या बनता, वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, सिंपल। ये पैरेलल के लिए होता है और ये सीरीज के लिए होता है। पैरेलल वाला तो कल किया था मैंने, कल किया था। अभी देखो ये तो मैंने इसको डायरेक्ट बताया, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। आप इसका पहले ये निकालो गामा वन क्या होगा, फिर गामा टू निकालो एंड देन वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपका पेपर के लिए ये ठीक है, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा ऐसे। और ये अगर आपको सॉल्व करना है तो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया ना नेट इलोंगेशन वाला, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना नेट इलोंगेशन वाला, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मान लो अगर नहीं निकल रहा याद नहीं रह रहा तो आप कैसे करेंगे, नेट इलोंगेशन क्या होता है, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू, और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एफ बाय ए गामा, और ऊपर क्या आएगा आपके पास एल, राइट। ऐसे ही डेल्टा एल वन क्या आएगा, एफ बाय ए, मान लो मैंने इस पे सेम लोड लगाया एफ बाय ए, और यहाँ आएगा आपके पास गामा टू, और ऊपर आएगा आपके पास एल, और इधर भी एफ बाय ए गामा ई वन ई गामा टू एल। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखो कितना आंसर बन रहा है, हाँ सॉरी जब आप यहाँ लेंथ ले रहे हैं बेटा तो यहाँ टू एल आएगा, ये याद रखना, ठीक है। लेंथ जो नेट आप ले रहे हो वो टू एल है ना, पूरे के लिए जब आप लिख रहे हो गामा, नेट इलोंगेशन डेल्टा एल आप पूरी वायर का जब देख रहे हो तो यहाँ पर जो लेंथ आएगी पूरी आएगी, इसलिए वो टू आता है यहाँ पे। अभी समझ में आया टू क्यों आ रहा है, बाकी तो सब कैंसिल हो ही रहा है। यस मैम, ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आंसर ये है, ये याद भी रख लो, पेपर में डायरेक्ट टिक हो जाएगा ये तो, बट कंडीशन है सेम लेंथ सेम रेडियस Joint end to end and loaded by same force, मतलब एक फोर्स लगाया गया ऐसे, फॉर्मूले से करना है ऐसे करो डायरेक्ट, सॉल्व करके करना है तो नेट इलोंगेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके करो। नेक्स्ट पे चलते हैं, शेयर मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बताइए क्या लिखेंगे इसमें जी, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, बताओ क्या होता है शियर स्ट्रेस, डेल्टा एफ बाय एरिया, यस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगता है, और शियर स्ट्रेन कितना होता है डेल्टा एक्स बाय एल, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ बाय ए थीटा, क्योंकि डेल्टा एक्स बाय एल क्या होता है टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, राइट। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया, स्क्वायर लेड स्लैब मान लो ये आपके पास है स्क्वायर,
मतलब इसको इससे देखो, देखो चलो स्क्वायर का मतलब स्क्वायर बनाते हैं। ये मान लो स्क्वायर लेड स्लैब जिसका जो साइड है वो कितना है 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर, ये तो 15x50 हो गया ठीक है। और अब इसने बोला कि इसका कुछ थिकनेस है, तो ऐसा करते हैं हम लोग एक स्लैब ही बना देते हैं, जैसे ये हो गया ठीक है, क्लियर है बात सबको। ये अब आपके पास क्यूब नहीं है क्योंकि यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच जो होता है क्यूब के लिए, एल बी एच तीनों बराबर नहीं है, लेंथ ब्रेड्थ बराबर है वो स्क्वायर है। जैसे ये मान लो आपके पास लेंथ होगी, ये मान लो आपके पास ब्रेड्थ होगी और ये थिकनेस होगी, यस और नो। ये स्क्वायर जो है, ये आगे वाला जो फेस दिख रहा है आपको, ये तो हो गया स्क्वायर जिसका लेंथ लेंथ लगा लो, चलो लेंथ लेंथ हो गया और ये थिकनेस हो गया जो थोड़ी मोटाई है, क्लियर है बात सभी को। तो ये अगर आपको ये मैं दिखाऊं, ये बुक जो है तो इसके अंदर ये तो हो गया ऊपर मान लो स्क्वायर, नीचे स्क्वायर क्योंकि नीचे जो फेस है इसको हमने देखिए आगे क्या, एक मिनट दोबारा से रीड करते हैं क्वेश्चन को, डायग्राम इसमें समझना है बस और कुछ नहीं है। स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर थिकनेस 10 सेंटीमीटर सब्जेक्टेड टू शियरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। अब मुझे बताओ इसमें नैरो फेस कौन सा है, ये वाले होंगे ना, ये वाले, ये वाला या ये वाला, यही है नैरो फेस सारे राइट। लोअर एज इज रिविटेड टू द फ्लोर, हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड। तो आपको जो आपका जो फोर्स लगाया गया है वो नैरो फेस पे लगाया गया है, नैरो फेस के पैरेलल ऐसे लगाया गया और एक एक जो फेस है उसको फिक्स कर दिया गया राइट। मान लो आपने इसको फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया मैंने, क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है क्वेश्चन की। स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर यानी ये 50 हो गया, ये 50 हो गया एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर यानी ये आपके पास 10 हो गया, इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस, नैरो फेस पे लगाया गया तो शियरिंग बोला है, शियरिंग बोला है तो एक एंड फिक्स करना पड़ेगा, अगर नैरो फेस पे लगा रहे हो तो उसके अपोजिट वाला भी नैरो फेस होगा ठीक है। हाउ मच विल द अपर फेस बी डिस्प्लेस्ड, तो आपको निकालना क्या बेटा, डेल्टा एक्स ही तो निकालना है, यस और नो, यस मैम ठीक है। सो आपके पास क्या फॉर्मूला है इसके लिए, शेयरिंग फोर्स दे दिया 9 × 10⁴, जिस एरिया पे लगा वो ये वाला एरिया है, इसका एरिया कितना होगा 10 × 50 इंटू 10⁻⁴ कर दूं क्योंकि सेंटीमीटर में है ना दोनों सेंटीमीटर, फोर्स बाय एरिया डेल एक्स बाय एक्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हो आप। हाँ ये आपने लिखा फोर्स, ये आपने लिखा एरिया ठीक है, और क्योंकि शेयरिंग फोर्स की बात हो रही है और आपको जो निकालना है डेल्टा एक्स वो आता है शेयरिंग स्ट्रेन में ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स और ऊपर आएगा आपके पास एल, एल की वैल्यू कितनी है 50 10⁻², ये है शियर मॉडुलस, शियर स्ट्रेस बाय बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस कितना होता है एफ बाय ए और शेयर स्ट्रेन कितना होता है डेल्टा एक्स बाय एल, तो निकालना तो डेल्टा एक्स है ठीक है। तो अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड तो पता होनी चाहिए ना, इसका मतलब जी की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी तो निकालोगे ना, बाकी सब चीजें तो पता लग गई। अब लेड की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन पेपर में तो आएगी, लेड की वैल्यू कितनी होती है 5.6 × 10⁹, 5.6 × 10⁹ ठीक है। इससे आपके पास अब डेल्टा एक्स निकल जाएगा, ये डेल्टा एक्स इधर आ जाएगा
और ये आएगा 9 इंटू 10 टू दावर 4 इंटू 50 इंटू 10 टू दावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 50 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 10 टू दावर 9 0.16 इंटू 10 के पावर माइनस 3 बिल्कुल सही 0.16 mm सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम कैसे बन रहा है वो ध्यान रखना है, ये सवाल इसलिए कराया गया आपको, इवन देखो समझाने में भी इतनी दिक्कत हो रही है, तो डायग्राम पे ध्यान रखना है कि कौन से फेस पे फोर्स लगा है, कौन सा हैंड फिक्स है, ठीक है, एल क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, और जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। मैं नहीं कह रहा तो जी की वैल्यू हमें याद करनी है। क्या कह रहे हो बेटा? मैम अगर जी की वैल्यू हमें नहीं दिया हो क्वेश्चन पेपर में तो देखो आई वुड सजेस्ट कि स्टील की और कॉपर की तो याद होनी चाहिए। स्टील की कितनी थी 2 इंटू 10 टू दावर 11, कॉपर की 1.1 इंटू 10 टू दावर 11, बाकी सब मिलेगा, ये भी मिलेगा वैसे तो 99%, बट इन केस नहीं मिले तो ये पता होना चाहिए। बाकी और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन अब आप होमवर्क में करेंगे। अब बल्क मॉडुलस पे आ जाते हैं। बल्क मॉडुलस पे क्वेश्चन अगर आता है, मतलब लाइक मॉडुलस में अगर मैं सेलेक्ट करूँ क्वेश्चन दो पे आता है, शियर पे तो बहुत कम चांसेस है आने के, या तो यंग पे आता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे आता है, या फिर बल्क पे आता है। ठीक है, अब बल्क क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो आपने लिख दिया था एफ बाय ए डेल्टा पी, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी बाय वी। अब यहाँ पर हम लोग एक माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव रखते हैं, डेल्टा वी क्योंकि नेगेटिव होता है। यस और नो? यस, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है ना, इससे एक नेगेटिव आएगा फाइनली। चलो माइनस मत लगाओ तो क्या होगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं पहले ही एक माइनस लगा देते हैं कि आंसर पॉजिटिव रहे। सो वो एक मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इससे आंसर गलत हो जाता है, आंसर ठीक आएगा आपके पास, बट वो हमारा एक तरीका है लिखने का कि कुछ चीजें हमें पॉजिटिव में लिखनी है, नेगेटिव में लिखनी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन, इधर ओरिजिन से इधर चल रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, पीछे चल रहा है तो नेगेटिव लेते हैं, तो साइन कन्वेंशन होते हैं। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर एन आइडियल लिक्विड इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। आइडियल लिक्विड की कुछ कंडीशन होती है, पता है किसी को? आइडियल लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। यस मैम। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा वी जीरो, चेंज होगा ही नहीं, और इसके अलावा क्या होता है, विस्कोसिटी जीरो होती है। विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, अगर हल्का सा भी थोड़ा सा टच भी किया ना तो बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, स्ट्रेन इनफाइनाइट होता है इसका। अब बता दो बल्क मॉडुलस क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा पी माइनस का ए और डी होगा, ये होता है बल्क मॉडुलस बी। बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट हो जाएगा, यस, क्योंकि डेल्टा वी शियर मॉडुलस जीरो, शियर मॉडुलस जीरो, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और शियर मॉडुलस में होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, अब यहां स्ट्रेन ही इनफाइनाइट हो रहा है हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ये आपके पास वन एनीथिंग बाय इनफिनिटी इज जीरो, सो डायरेक्ट आ सकता है, शियर मॉडुलस इज जीरो एंड बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। यस मैम, क्लियर है? ये दो प्रॉपर्टी याद रखना बस, फ्लूइड में भी काम आएगा। अभी आइडियल लिक्विड इनकम्प्रेसिबल, डेल्टा वी जीरो होता है, एंड विस्कोसिटी जीरो मतलब स्ट्रेन इनफाइनाइट हो जाता है, फिर आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है। आ जाओ नेक्स्ट पे, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल आ सकता है। एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, ये मान लो आपके पास क्या है, कोई इंडियन ओशन है, कोई नहीं एक ही इंडियन ओशन, तो ये 3000 मीटर का डेप्थ है। कैलकुलेट फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाय वी, आपको क्या निकालना है बच्चों, डेल्टा वी बाय वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ फेस, बॉटम ऑफ द ओशन, गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9, आपको बी की वैल्यू दे रखी है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बी और डेल्टा वी बाय वी कनेक्टेड है या नहीं, चमक जाएगा ना दिमाग में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी, ये लगेगा। यस मैम, ठीक है। अब
हमें निकालना क्या है, डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी बाई वी इधर ले जाओ भाई, माइनस डेल्टा पी बाय बी हो जाएगा, बी की वैल्यू गिवन है और डेल्टा पी मुझे निकालना है। चेंज इन प्रेशर, जब आप डेप्थ पे जाते हैं बॉटम पे कितना हो जाएगा यहाँ पे फाइनली प्रेशर, रोजी एच राइट। मान लो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर था पी नॉट, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर था, जब आप फ्लूड के अंदर जाते हो जितना नीचे जाओगे उसके हिसाब से एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, बी पी नॉट प्लस रोजी एच। पी नॉट तो पहले ही लग रहा था, अब फ्लूड में रोजी एच आ गया। अब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर करोगे तो डेल्टा पी तो रोजी एच ही हो गया ना। यस मैम। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है एसआई यूनिट में, 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यस, जी की वैल्यू 10 होती है और एच की वैल्यू कितनी है, 3000। सॉल्व करके बताओ डेल्टा वी बाई वी कितना आ रहा है, 1.36। मैंने सॉल्व नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं, माइनस 10^3, 3, 4, 5, 6, 7 ही हो गए तो, और बी कितना है 2.2 × 10^9, तो 10^-6। 3 भी तो आएगा, 3 क्यों आएगा मैम, 3000 है ना हाइट में, तो 3000 है ना। अच्छा यस यस, 3 भी तो आएगा, ठीक है ठीक है। तो ये 10^-6 हो गया और 3/2.2 कितना हो रहा है, 3/2.2, 1.36। क्लियर है सभी को, ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको ऑप्शंस में ना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, आपको सिंपली वहां पर मैग्नीट्यूड गिवन होगा। मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आंसर ही आता है इसका। चलो आ जाओ। ओके ये क्वेश्चन देखिए, चलो कर लेते हैं। क्यूब ऑफ मेटल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 5 GPa, 4 GPa, 4×10^9, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, डेल्टा एल बाय एल इनटू 100, ये निकालना, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ देख लो डेल्टा एल बाय एल कितना हो रहा है। अब यहां पर सवाल फंस गया ना, यहां पर हमको ये तो समझ में आता है कि बी की वैल्यू होती है डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी, होती है नहीं होती है। मैम वॉल्यूम को लेंथ में चेंज कर ले, क्या कह रहे बेटा, वॉल्यूम को लेंथ में चेंज कर, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, डेल्टा पी बाय बी। अब बी की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 4×10^9, और कितनी किसकी दे रखी है आपको, नहीं बी की वैल्यू तो क्या है आपके पास, 8×10^10। यस 5 तक ये डेल्टा पी है आपके पास 4×10^9, बी की वैल्यू आएगी आपके पास 8×10^10, ये डेल्टा वी बाय वी हो गया। अब मुझे चाहिए डेल्टा एल बाय एल, तो मैं एरर का कॉन्सेप्ट यूज करती हूँ, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, क्यूब दे रखा है ना, तो डेल्टा वी बाय वी कितना हो जाएगा, 3 times ऑफ डेल्टा एल बाय, डेल्टा एल बाय एल कितना हो जाएगा, 1/3 times, 1/3 सपोज ये आपका सॉल्व हो गया, एक्स आ गया 1/3 ऑफ एक्स, परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100% कर देंगे दोनों पे, 1.67 आ रहा है। यस 1.67। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, अभी हमने जो दोनों करे ना ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये कुछ रिलेशनशिप है याद करने के लिए, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और पॉइजंस रेशियो में, अगर मान लो कोई दे रखा है तो डायरेक्टली कनेक्शन होता है इनके बीच में, तो मैं आपको ये पीपीटी प्रोवाइड करूंगी उसपे से देख लेना। अब इसमें एक टर्म आ रही है पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मान लो कि आपके पास वायर है, आपने इसको खींच दिया है, खींचोगे तो लेंथ तो बढ़ेगी, वो तो समझ में आ गया, वो आपके पास होता है डेल्टा एल बाय एल, जो भी जितनी भी इंक्रीज हुई लेंथ बाय ओरिजिनल। अब जब आप खींच रहे हैं कोई चीज तो ऐसे पतली भी तो हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही, पहले अगर इसका डायमीटर डी है, खींचने से वो ऐसे पतली पतली हो जाएगी मटेरियल, ऐसे खिंचा खिंचा हो जाएगा, तो यहाँ से डायमीटर में भी चेंज होता है, तो ये आपके पास क्या होता है डेल्टा डी बाय डी। अब मैं इसके आगे भी एक नेगेटिव लगा के रखती हूँ क्योंकि मुझे पॉइजन रेशो की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए,
और डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब डेल्टा डी बाई डी की जगह आप डेल्टा आर बाई आर भी कर सकते हो अगर आपको रेडियस गिवन है तो। ठीक है, क्लियर है सबको? ये पॉइजन्स रेशियो। अब एक क्वेश्चन पॉइजन्स रेशियो पे कर लेते हैं। इफ चेंज इन लेंथ ऑफ वायर ऑन स्ट्रेचिंग इट इज 1%, यानी डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये आपको दे रखा है 1%, एंड पॉइजन्स रेशियो इज, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4, देन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, यानी डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 आपको निकालना है। कर लेंगे, हाँ जी सी आएगा, सी 0.5% इंक्रीज। यस सी आएगा बेटा, देखिए कैसे आया सी। सबसे पहले तो पॉइजन रेशियो होता क्या है, डेल्टा आर बाय आर, एक माइनस साइन होता है, और यहां से आपके पास आएगा नीचे क्या आता है, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल, ये इधर चला जाएगा, ऐसे ही होता है। तो मुझे निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम रेडियस से कैसे कनेक्टेड है, पाई आर स्क्वायर एच। यस, तो डेल्टा वी बाय वी क्या होता है, पाई तो आता नहीं कांस्टेंट, ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर, और प्लस एच जो है वो हम लेंथ ले सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एल बाय एल, राइट। तो यही तो निकालना है आप, आपको डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, तो दोनों तरफ 100 कर दीजिए, तो आपको ये तो दे ही रखा है, राइट। तो यहाँ से आप डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू निकाल के पुट कर लो, डेल्टा आर बाय आर कितना आ रहा है बच्चों, ये आएगा आपके पास, यस मैम, पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू है, एक तो ये नेगेटिव साइन, और पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आई थी 1/4 इंटू डेल्टा एल बाय 1 एल, ये आएगा यहाँ पर पुट कर, तो ट्वाइस इंटू 1/4 1/4 इंटू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 2 1s 2 2s, सो ये आई थिंक आ रहा है आपके पास 1/2 ऑफ डेल्टा एल बाय एल 0.5, राइट। तो ये आपके पास आ रहा है डेल्टा आर, यस ये आपके पास टोटल है डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। दोनों तरफ 100 कर दो, तो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 कितनी है, yes, sir, 1%, तो 1% का आता 0.5%, और प्लस आया है, सो ये क्या आएगा, पॉजिटिव इंक्रीज। अब देखो अगर ये नेगेटिव साइन मिस कर देते तो आंसर में गड़बड़ हो जाती, तो ये मिस नहीं करना है मैम, इसके आगे भी लगेगा ना, 2 के आगे भी नेगेटिव साइन, तब तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे जो आपने काटा है ये 2, ये नहीं बेटा, ये आपके पास वैल्यू क्या है, ये तो 1 है, ये माइनस 1/2 ऑफ डेल्टा एल बाय एल है, ये प्लस डेल्टा एल बाय एल है, तो हाफ डेल्टा एल बाय एल ही बचेगा ना मैम, ये माइनस है तो यहाँ पे तो माइनस मतलब यहाँ तो हटाया ही नहीं, देखो इस ये पूरा इसके एक्सप्रेशन के अंदर डेल्टा एल बाय एल कॉमन ले लो, अंदर क्या बन रहा है, माइनस 1/2 प्लस 1, यही तो बन रहा ना, यस मैम, तो ये प्लस 1/2 बच गया ना, बच गया नहीं बच गया, हाफ 1 - ½ हो गया, हाँ मैम पॉजिटिव वैल्यू, तो 0.5% इंक्रीज हो गए, क्लियर है, यस मैम। चलिए अब लास्ट टॉपिक, यस बोलिए बेटा मैम, लास्ट क्वेश्चन में मेरा आंसर तो आ गया था, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि वहाँ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, क्योंकि मैम पॉजिटिव साइन की वजह से हमारा आंसर पॉजिटिव आया, तो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे पता लगाया, पॉजिटिव आंसर आया इसलिए इंक्रीज बोल रहे हैं, अगर नेगेटिव आंसर आता यानी फ्रैक्शनल जो चेंज देख रहे हो आप, अगर वो माइनस, मान लो सपोज यहाँ पर आपके पास माइनस हाफ आ जाता सारा सॉल्व करके, तो डिक्रीज आता फिर, इससे फाइनली आंसर पॉजिटिव बन रहा है ना, प्लस हाफ डेल्टा एल बाय एल बन रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज है, माइनस क्या कह रहे हो बेटा मैम, इसीलिए मैं श्योर नहीं थी जब आपने पूछा कि सी कैसे होगा, अच्छा अभी समझ गए। अब ये देखिए माइनस साइन इसीलिए बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट है ये रखना है, एक तो डेल्टा वी बाय वी वाले फॉर्मूले में रखना है, और एक डेल्टा एल बाय एल, सॉरी पॉइजन रेशियो वाले फॉर्मूले में पुट करना है,
आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, देखो क्यों है पोटेंशियल एनर्जी, आप क्या कर रहे हो, आप जब एक वायर को स्ट्रेच करते हो आप उसके एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं उनके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तभी वो खिंचती है, तो आप काम करते हो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, डोंट मिस वॉल्यूम, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू मिस स्ट्रेन। यही गलती कर देते हैं, हमें लगता है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू मिस स्ट्रेन, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस को मैं कन्वर्ट कर दूं किसमें, स्ट्रेन में, जैसे आपको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये आपके पास होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस को आप क्या लिख सकते हो इनटू स्ट्रेन, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया आपके ही पेपर में, नीट का सवाल है ये, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स l प्लस l, ठीक है। तो आपको चेंज इन लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालोगे, l प्लस l माइनस l, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला u इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू वॉल्यूम, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसका मास आपके पास, सपोज बहुत ही गंदी ड्रॉइंग हो गई है, समझ गए ना, ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर, ये एक लॉन्ग वायर है l लेंथ की, मतलब ये बेसिकली लोड लगाया गया, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ इंटू स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है mg, mg और एरिया कितना आएगा, l स्क्वायर ही होगा, ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग एरिया, चलो मान लेते हैं हम लोग एरिया a ही है, इंटू स्ट्रेन, हमें तो एरिया ये लेना होता है ना, जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो हमने ये मान लिया, चलो ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल बाय एल, डेल एल, डेल एल आपने निकाल लिया एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा वायर का, एल सॉरी ए इंटू एल, यही होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी कोई भी सिलेंडर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही तो होगा वॉल्यूम ए इंटू एल, ठीक है। तो यहां से एल गया, एरिया गया, आंसर था हाफ एम जी एल। बताओ कितना आसान सवाल, और हमने कितना लेवल तक तैयारी कर ली है, हमने जेई लेवल तक तैयारी कर ली है, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं लगता आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ इनकेस कोई आ गया, ये इसका सोल्यूशन एड किया हुआ है मैंने। अभी स्प्रिंग के केस से ये कनेक्ट हो जाता है, जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे आपने कोई फोर्स लगाया तो उसमें भी चेंज इन लेंथ होता है और रिस्टोरिंग फोर्स आता है, रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू आपको पता है माइनस के एक्स होता है। और अगर इसके ऊपर मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाऊं कि मैंने जो फोर्स लगाया वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर ही है, ठीक है, तो यहां से मैं ये फोर्स निकाल लेती हूँ गामा ए डेल्टा एल बाय एम, ये वाला फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स को अगर मैं कंपेयर कर देती हूँ तो मेरे पास बच्चों के की वैल्यू आ जाती है। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, गामा ए बाय एल, ये है यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ जो भी वायर आपने लिया होगा। तो ये एक फॉर्मूला याद रख लेना, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से छूट रहा है। मैम यहां पे वो चीज खत्म हो गया ना, क्या खत्म हो गया बेटा, ये वाला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डन, सारा डन है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने कुछ ऐड किए, इसमें से हिस्टेरेसिस लूप देख लीजिए क्या होता है। हिस्टेरेसिस लूप क्या है, जैसे मैंने स्ट्रेस लगाया, ठीक है, तो जब मैं स्ट्रेस को जीरो करती हूँ तो इमीडिएटली आपके पास स्ट्रेन जीरो नहीं होता, स्ट्रेन लैग करता है स्ट्रेस के साथ, तो लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेस इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस। अब इसमें जितना ये एरिया होता है ना, इतनी एनर्जी लॉस हो रही होती है मटेरियल को जब आप लोड या अनलोड कर रहे होते हो, तो जहां मुझे ज्यादा एनर्जी लॉस चाहिए, मैं बड़ा एरिया वाला
मटेरियल लूंगी, जहां मुझे कम एनर्जी लॉस चाहिए मुझे कम एरिया वाला मटेरियल चाहिए होगा। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये मैंने ऐड कर दिया, इलास्टोमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी एडेड है, ये सब आप देख सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है डू नॉट ओबे हुक्स लॉ, इलास्टिक रीजन बहुत लार्ज है, प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट लाइज जस्ट क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट, रबर है या फिर टिश्यू ऑफ अरोटा, अरोटा जो आपके हार्ट में होता है ना, yes. वहां ये मटेरियल फॉर विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन। सो आपका पूरा चैप्टर हो गया है अब कल हम करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये आपको सारी जो स्लाइड है जो सारी पीपीटी है ये मैं शेयर कर दूंगी, अराउंड 50 स्लाइड्स हैं जो आज हमने अभी डिस्कस करी। यस मैम ये चैप्टर तो ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब यहाँ से सवाल आ गया तुम्हारा छुटेगा नहीं, 8 नंबर तुम्हारे डन है अभी। यस मैम।